दिलजीत, वेलकम टू हिंदी राज। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत एक इंट्रोडक्शन हो सकता था आपका कि आपको कोई टीवी पर देखता है तो आपकी स्माइल पे लोग फिदा होते हैं, आप नाचती बहुत अच्छा है, मतलब ऑल टैलेंट एक साथ जब आता है तो आई गेस दिलजीत कौर ही होता है। तो दिलजीत, फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉकडाउन कैसा चल रहा है आपका? यार आदत सी हो गई है अब जेरन के साथ इतना टाइम स्पेंड करने की, जो मुझे लगता है जब से जेरन पैदा हुआ है मुझे इतना समय कभी नहीं मिला जितना मुझे इस 6-7 महीने के दौरान मिल गया। और ये गंदी आदत लग गई है अब मुझे, अब डर लगता है कि अगर मुझे 12-12 घंटे शूट करना पड़ा तो मुश्किल होगा, यू नो। एंड आई थिंक लॉकडाउन ने बहुत हमें रियलिटी सिखा दी, भगवान ने हमें बड़े शॉर्ट कोर्स ऑफ टाइम में समझा दिया कि जिंदा रहना इम्पोर्टेंट है, बाकी अपने आप को ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत है नहीं। आप कितने अमीर हो, कितने छोटे हो, बड़े हो, काले हो, गोरे हो, बड़ी कास्ट से हो, छोटी कास्ट से हो, ये सब चीजें इम्पोर्टेंट है ही नहीं। एक ही चीज इम्पोर्टेंट है, जिंदा रहना। तो खाना पीना सोना बस, और कुछ नहीं उसके अलावा, सेहत के अलावा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं। और ये चीज आई थिंक जो हम सब यू नो स्पिरिचुअल बुक्स में और यू नो बड़े बड़े मेडिटेशन की सीडी सुन सुन के सीखते थे, भगवान जी ने हमें 6 महीने के अंदर दर्शन करा दिए कि बेटा अपने आप को इतना सीरियसली मत लो। एंड दैट इज समथिंग दैट आई हैव लर्नड कि भैया जितना अच्छे कर्म होते जाए करते जाओ, वी डोंट नो व्हेन सडनली समथिंग हैपेंस एंड लाइफ जस्ट वैनिशेस, यू नो। इतना लॉकडाउन के दौरान सुना, यू नो नंबर्स में सुना कि इतने लोग मर रहे हैं, इट वाज जस्ट व्हाट अ रियलाइजेशन ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, बस उससे ऊपर कोई कुछ नहीं है। वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग मेड ऑफ स्किन, वही ब्लड, वही बोन्स, नथिंग मोर नथिंग लेस। ओके एंड दलजीत, मतलब इतने लंबे करियर में आपने बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स एंड बहुत सारे तोड़ मोड़ देखे हैं इन योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ टू, बट क्या आपको कभी ऐसा लगा कि अब आप डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, बहुत बहुत हो गया, मतलब व्हाट इज योर लो फेज और आपने उस टाइम पे क्या किया उसको आगे बढ़ने के? यार डेफिनेटली एक टाइम आया था व्हेन आई हैड डिसाइडेड टू कम बैक इन द इंडस्ट्री और तब मैं मदर बनी ही थी, लेकिन विद इन अ ईयर एंड अ हाफ मुझे नहीं लगता कि मैं सडनली मदर के रोल करने के लिए रेडी थी, क्योंकि इट वाज जस्ट अ ईयर एंड अ हाफ का डिफरेंस। यस आई हैड अ बेबी बट दैट हैड नथिंग टू डू विद माय फेस और माय फिगर और माय टैलेंट। तो एक टाइम आया था जब मैंने कहा कि मुझे वापस काम चाहिए, तो आप इसकी मम्मी प्ले करेंगे, आप हीरो की मम्मी प्ले करेंगे, आप हीरोइन की मम्मी प्ले करेंगे, एंड आई वाज लाइक मुझे नहीं करना है। आई स्टिल थिंक मुझे 1.5 साल में सिर्फ एक बेबी हुआ है क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, आप मुझे सेग्रीगेट कर रहे हो। लड़के कितने सारे जो बच्चे वाले हैं वो अभी भी हीरो प्ले कर रहे हैं, ऑल द बॉयज, चाहे वो टेलीविजन में हो चाहे वो फिल्म में हो, उनको सेग्रीगेट नहीं किया जाता। लेकिन अब शायद थोड़ा चेंज हो रहा है वो माहौल, लेकिन मुझे सडनली झटका लगा कि यार सब मुझे मदर 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 क्यों कर रहे हैं, जब मैं फिजिकली मदर जैसा, बिकॉज मैं जब आई थी थोड़ी सी हैवी थी, तो आई एक्सेप्टेड अ मदर्स रोल विद ग्रेस कि हाँ। बट जब मैं पतली हुई, जब मैं वापस एग्जैक्टली वैसे ही लगने लगी, क्योंकि 1.5-2 साल में इंसान 40 साल का तो लीप नहीं लेता ना, राइट, तो आप मुझे 40 साल बड़े रोल क्यों दे रहे हो, क्योंकि आज मेरा एक बच्चा है, तो वो मुझे डेफिनेटली बहुत अफेक्ट किया था एंड आई वाज नॉट विलिंग टू टेक इट। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी इमोशनल व्हेन आई ऑलवेज से दिस, आई एम वेरी थैंकफुल टू एकता मैम जिन्होंने मुझे कयामत की रात दी ऑपोजिट मनराज, हु इज अ वेरी यंग गाय एंड बहुत यंग रोल दिया, एंड वहां से फिर मुझे अंतरा का रोल मिला ऑपोजिट निशांत एंड माई करियर स्टार्टेड अगेन। तो एक नजरिया चेंज करने के लिए यू नो आई थिंक मैं एकता मैम को पूरा श्रेय देती हूँ, उन्होंने मुझे मनराज की मम्मी के लिए नहीं, मनराज के ऑपोजिट करुणा का रोल दिया, बिकॉज आई वॉज लुकिंग लाइक दैट, आई वॉज थिन, राइट नाउ आई एम लुकिंग यंग। तो वो मुझे लगता है कि टाइपकास्ट इंडस्ट्री बहुत जल्दी यू नो वो करती है, और जब हम जैसे हम लीड के लिए हम लोग जाते हैं किसी शो के, उसके लिए 5-6 नाम है जिनको हमेशा पहली प्रेफरेंस दी जाती है एज अ लीड। यू नो हम जैसे लोगों को जो शायद टैलेंटेड हैं, लगते भी हैं, लीड फेसेस भी हैं, और हर शो के बाद ये बोलते हैं कि यार क्या रोल किया है यार, यू वर सो गुड, यू वर सो गुड, बट एज अ लीड कभी नहीं हमको कंसिडर किया जाता, हमेशा ये बोला जाता है कि यार हाँ यू नो यू डू अ पैनल लीड, यू डू अ नेगेटिव लीड, क्योंकि लीड के लिए वही 5-6 लोग 10 लोग हमारे टेलीविजन में भी फिक्स है, वही शायद फिल्म में भी होता है, विच नीड्स टू चेंज, बिकॉज यू नो टैलेंट इज नथिंग कि मैंने अगर XYZ रोल किया है तो मैं ये रोल नहीं कर सकती। If I'm not looking the part, see it's very simple. If I'm looking like a particular role, then I should be given a fair chance. वही 6-7 लोगों के नाम नहीं आने चाहिए, which I think in television also exists, and I really hope and pray कि हम सबको उस light में देखा जाए। जब role चलता है तो you know we are nominated,
इतना हुआ होता है कि यार इसने क्या रोल किया रोल किया, बट द मोमेंट लीड, जिनको कवर पेज पे, सब एक्टर का वो ड्रीम होता है यू नो दैट हम भी कवर पे दिखे, हमें भी वो इवेंट्स मिले, हमें भी वो उस तरीके का मनी रोटेशन मिले, क्योंकि हम इतने सालों से काम कर रहे हैं. लेकिन वो जब जब एक्चुअल मेन रोल की बात आती है वो नहीं आता. सो वो डेफिनेटली आई स्टिल थिंक टेलीविजन में भी वो माइंडसेट है कि यू नो अच्छा लीड है, अच्छा वो 6-7 लोगों को पहले ट्राई करो फिर उनको ट्राई करो, नहीं 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 इसने तो पहले लीड किया उसको पहले लीड के लिए करो. सेज हू, अगर आप पहले लीड में मुझे आप इतना अप्रिशिएट कर रहे थे तो मैं एक मेन रोल को अपने कंधे पे ले जाने लायक हूँ यू नो, तो वो प्रूफ क्यों करना पड़े एक आर्टिस्ट को क्योंकि मैंने एक पहले लीड किया, तो क्या ये गलती थी? और बेचारे जो पहले लीड कर रहे हैं आज की तारीख में, क्या वो एक गलती है? तो एज एन एक्टर आई थिंक वो मिलना, वजूद मिलना बहुत जरूरी है, जो अभी भी आई थिंक लॉट ऑफ एक्टर्स इन टेलीविजन इन फिल्म्स आर फाइटिंग फॉर. एंड आई रियली होप, जैसे बाहर होता है यू नो, आप वेब शोज देख लो, दे माइट हैव 5 किड्स इन द हाउस बट इफ दे आर वेल मेंटेन्ड दे आर द फेस ऑफ द शो. चाहे आप टेलीविजन देख लो, उनके 5-5, 6-6 बच्चे होते हैं उन लोगों के, तो बिकॉज यू नो दे आर लाइक सो दिस थिंग उनका, बट इफ दे आर लुकिंग द पार्ट दे डू द पार्ट, इट हैज नथिंग टू डू विद देयर पर्सनल लाइफ. कि उन्होंने, और कई जगह पे वो पैलल या एक कैरेक्टर रोल करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन अगले फिल्म में वो मेन रोल कर रहे होते हैं. इट हैज नथिंग टू डू कि एक स्टीरियोटाइप नहीं होता, जो हमारी इंडस्ट्री में बहुत desperately needs to change. It has to be talent based. So, आपको कभी किसी चीज़ से मना किया गया था उस टाइम पे, कोई पर्टिकुलर शो जिस पे आपको लगा था कि ये मुझे क्यों ऑफर हुआ है, किसी पर्टिकुलर शो? जब मैं आई थी तो आई वॉज प्लेइंग अ मदर बिकॉज आई नीडेड मनी वेरी इमीडिएटली. अगर मैं एज एन आर्टिस्ट आप पूछे तो मैं कभी भी बिना शेप के वापस नहीं आती. I would have made sure कि मैं अपने abs वापस लाती, it's not such a big deal to lose weight anymore. और मैं फिर आती, लेकिन उस टाइम मेरे पास लग्जरी ऑफ टाइम नहीं था. मेरे पर्सनल लाइफ में क्राइसिस चल रहा था, डिवोर्स चल रहा था, आई डिड नॉट हैव एनी मनी, आई वॉज लिटरली गोइंग थ्रू अ बैंक्रप्सी यू कैन से. तो मेरे पास तो बहुत ही बुरा हाल था. तो आई सेड यू नो व्हाट, एक्टिंग इज द ओनली थिंग आई नो, आई विल गो बैक, नो प्रॉब्लम. तो दिया मैम एंड टोनी सर वर वेरी काइंड, दे गिव मी अ रोल, इट वाज अ मदर्स रोल, तो मैंने एक्सेप्ट किया बिकॉज एज एन एक्टर मुझे लगा कि हाँ ये मुझे बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि मैं तब हैवी भी थी और मुझे वाकई में वो रोल करेक्ट लगा. लेकिन मैंने ड्यूरिंग दैट शो इतनी मेहनत की एंड आई केम बैक. तो जेडन शायद 1.5-2 साल का भी नहीं था जब मैं आई हैड कम बैक टू माई ओरिजिनल सेल्फ. उसके बाद मुझे 2 साल ऑलमोस्ट घर बैठना पड़ा, क्योंकि सब मुझे इसी के, आप इसकी मम्मी प्ले कर लो, उसके पापा प्ले कर लो, यू नो भाभी प्ले कर लो. आई वाज लाइक क्यों, क्योंकि मैंने एक रोल कर लिया है तो अभी आप मुझे नहीं देख रहे. और दिया मैम हैड अ टफ टाइम शोइंग मी एज अ मदर बिकॉज बाय द एंड आई हैड रिड्यूस्ड अ लॉट ऑफ वेट. तो मैं उस बहन लगने लग गई थी मेरी, जो बेटी बनी थी उसकी, यू नो सिमरन. तो सिमरन और मेरे सीन्स होते थे, मैम बोलती थी यार तू जूड़ा बना ले, मैंने सब ट्राई किया बट आई स्टार्टेड लुकिंग यंग बिकॉज आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट. बट उसके बाद भी एक वो माइंडसेट हो गया था टेलीविजन का कि नहीं यार इसको तो, ये तो रियल लाइफ में भी मम्मी है, मम्मी दो. तो ये जो माइंडसेट है वो आई रियली मुझे नहीं पता था बट इट हिट मी वेरी बैड कि आप 2 साल पहले तक मुझे कलर्स का लीड, स्टार प्लस का लीड, सबके लीड रोल आ रहे थे, अब 2 साल में मेरे 40 साल का आपने मुझे कैसे बना दिया? इन 2 years ऑफ 2 या 2.5 years का जो मेरा गैप हुआ उसमें आपने मुझे 30+ रोल years का रोल देने लग गए आप. Why should I accept it as an artist? I will not accept it. So I fought my way. I waited. I went through a really bad time monetary wise. कोई बात नहीं, जितना पैसा है मैं उसमें बैठूंगी but I will wait. Then I got Kayamat Kira. Then I got Antra. You know, so my struggle I think is still on. But at least मैं जो point है वो prove कर रही हूँ. और मैं honestly feel करती हूँ कि जो mothers हैं और भी, they should get what they look like and what they are talented for. Not for the fact कि उनके घर में बच्चा है, that should not segregate them. So I feel like that and I think अभी भी sadly वो mentality है. You know, I have fought my way. और लोग मुझे कहते भी हैं कि you know आप अकेले हो जो अब आके you know you look so young and अब भी अलग सब का mindset change हुआ है television में. And I'm very proud to say that I have fought my way for it. So Diljit, इसी के साथ में जब आपने अभी जैसे बताया कि बहुत सारे पर्सनल क्राइसिस होते हैं, आपने बताया बैंकक्रप्ट तक जाना भी बहुत बड़ी बात है, इसमें आपका मेंटल स्टेट कैसा था? क्योंकि हमने जैसे भी हाल ही में आपने अभी 4 महीने हो गए सुशांत को गए हुए भी, एक टीवी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा, एक बॉलीवुड इंडस्ट्री का बहुत बड़ा चेहरा, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस निकलते हैं जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी आ जाता है, ड्रग केसेस भी आ जाते हैं, बहुत कुछ चल रहा है अभी, तो इसमें आपका मेंटल स्टेट कैसा था? सुशांत, आई हैव मेट हिम ब्रीफली इन माय लाइफ, उनको मैं पर्सनल स्पेस पे मिली हूं, डिनर किया है, वो मेरे घर भी
अंकिता और सुशांत तब साथ में थे, तब मैं उनको जानती थी, तो मेरा उसके बाद ज्यादा टच में नहीं रहा क्योंकि वो फिल्म्स की ओर चले गए. लेकिन मुझे पता है एज एन आर्टिस्ट आई यूज्ड टू फील कि यार इसको देखो ये टेलीविजन से इतना अच्छा किया, ही इज काइंड ऑफ मेड वे, लाइक आई फील आई हैव मेड वे फॉर लॉट ऑफ अदर मदर्स, यू नो, अगर आप वेल मेंटेन्ड हो तो आप कर सकते हो. वैसे ही मुझे लगता है कि ही मेड अ वे फॉर अस टेलीविजन पीपल टू बिलीव कि हम फिल्म्स में भी अच्छा कर सकते हैं. एंड ऑब्वियसली टिल टुडे आई डोंट लाइक टू बिलीव व्हाट हैज हैपेंड. अब क्या है, क्यों है, इतने खिचड़ी पड़ चुकी है कि मुझे उस रास्ते जाना ही नहीं और डिस्कस करना ही नहीं. लेकिन आई जस्ट फील कि यस, एक एक्टर के लिए और स्पेशली जो एक्टर बहुत काम करते हैं, जैसे मुझे 16 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री में, वैसे ही और भी बहुत एक्टर्स हैं जो जेन्युइनली टैलेंटेड भी हैं, इस इंडस्ट्री में रहे हैं और हर प्रोजेक्ट में उनको तारीफ ही मिली है. मुझे मालूम है कि मेरे ट्रैक्स ने 2.8 2.9 की टीआरपी लाई है, जब चैनल के केक्स आए हैं और फेस किसका है, लीड का. लेकिन आई हैव टेकन विद स्ट्राइक की नहीं, यू नो, आई हैव टेकन द ट्रैक. लेकिन फिर जब अगला शो बनता है उन्हीं प्रोड्यूसर्स का, जिनको मैंने शायद मेरी वजह से, मेरे ट्रैक की वजह से, मेरी वजह से नहीं, पूरे उसकी वजह से, लेकिन डेफिनेटली मेरा कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा होगा क्योंकि मेरा ट्रैक चला था. लेकिन जब अगली बार उनकी कास्टिंग की बारी आएगी, वो मुझे नेगेटिव के लिए ही बुलाएंगे. वो मुझे कि यार तू आ जा, तू हमारे शो को इनहेंस कर दे. तो मुझे लगता है कि आप मेरे कंधे पे मुझे क्यों नहीं देते शो, क्योंकि आई वॉन्ट टू अर्न द फेम, आई वॉन्ट टू अर्न द मनी, मुझे भी अपना घर चलाना है. आई वॉन्ट टू डू इवेंट्स, आई वॉन्ट टू अर्न द मनी. इतने सालों के बाद भी वाई आर यू नॉट एबल टू ट्रस्ट, विच इज सो रॉन्ग, क्योंकि आप वही लोग हैं जो लकी लोग थे, कुछ लोग जिन्होंने लीड कर लिया, वो लीड रोटेट हो रहे हैं. हम जैसे लोग अपने पर्सनल अप्स एंड डाउन की वजह से आए और गए, तो क्यों हमारे टैलेंटेड को वो नहीं दिया जाता. एंड आई टोटली बिलीव, मुझे कई बार ऐसा लगता है, अभी भी लगता है कि वो सिर्फ मैं ही नहीं, मैं बहुत सारे एक्टर्स के, आई थिंक बहुत सारे लोग ऐसे नॉट कर रहे होंगे, हाँ तू करेक्ट बोल रही है इस वक्त. बहुत लोगों की यही सेम कहानी, दे आर गुड लुकिंग पीपल. आई एम नॉट सेइंग आई एम गुड लुकिंग, आई एम जस्ट सेइंग कि आई एम प्रेजेंटेबल ऑन स्क्रीन, आई एम एबल टू टेक अ रोल टू इट्स मैक्सिमम पोटेंशियल, आई एम अ टैलेंटेड पर्सन, बट मुझे वो हमेशा 1 less, 0.5 less. वही मिलता है मुझे, जो मैं 10 डिजर्व करती हूँ, मुझे हमेशा 8.5, 7.8 यही मिलता है, क्योंकि 10 के लिए स्लॉट बन चुके हैं, which is so wrong, क्योंकि इतना काम हो रहा है, इतने शोज बन रहे हैं, वेब शोज बन रहे हैं, why should we always taken in that slot, which I think is wrong, and I am working really hard to break the stereotype, and I will. I hope things will get sorted, जैसे और धीरे धीरे काफी कुछ बदल रहा है पहले के मुकाबले. आपने भी देखा होगा बहुत सारी चीजें बदली भी हैं, कुछ चीजें अच्छी भी हुई हैं. आई होप आपके साथ भी बहुत अच्छी चीजें हों और लोग आपको बार बार देखें स्क्रीन पर और उतना ही पसंद करें जितना आपको पहले करते हैं, बिकॉज आप सच में वैसी ही दिख रही हैं जैसे आप पहले दिखा करती थी, वो जब बहुत पुराने शोज आते थे तब भी ऐसी दिख रही थी. थैंक यू सो मच दलजीत हमसे बात करने के लिए. Thank you. Hi guys, this is Daljeet Kaur here. और आप मुझे देख रहे हैं हिंदी रश पर. अगर आपको मेरा इंटरव्यू, मेरी गप्पे पसंद आई हो और मेरे लॉजिक आपको समझ आए हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड एंजॉय वॉचिंग दिस चैनल. टेक केयर.